से ग्रेटर नोएडा आई सीमा मीना ने गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीमा हादर की और लक्ष्मी मैया जी की पूजा कर रही हूँ। गणेश जी सुख समृद्धि दे, नई संसद में पहुंचे और देश की तरक्की का काम करे। हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह बतौर संसद काम करे। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा मीना ने गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की, जो कि हमने आपको दिखाया, और गणेश उत्सव का उत्साह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। अमित, आज से लालबाग के राजा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन ही बप्पा के दरबार में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। सुबह यहां पर आरती की गई, उस दौरान से भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। तो हर तरफ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है, उत्सव का आयोजन, उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है और दूर दूर से लोग लालबाग के बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। बार लालबाग के राजा के हम सीधा आपको बप्पा के दर्शन कराते हैं। अगर आप देखें तो लालबाग के राजा का आसन पूरी तरह से यहाँ पर विराजमान हो गए अपने आसन पे। 12 फुट की ये विशाल मूर्ति है जो पिछले 90 सालों से इसी अंदाज में, इसी रूप में, इसी आकार में यहाँ स्थापित की जाती है। आज से गणेश उत्सव पूरे मुंबई में मनाया जा रहा है और इसका रंग अलग ही होता है लालबाग के राजा के दरबार की। आप मूर्ति अगर देखें तो मूर्ति को हर बार एक नया थीम दिया जाता था। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरह से राज्याभिषेक हुआ था उसी अंदाज में इस मूर्ति को उसका आकार दिया गया है। उसी राजस्व की तरह जो है उनके कपड़े और उनके ज्वेलर भी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मंच पूरा सज चुका है और आज से बप्पा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। आप देखें तो भारी संख्या में भीड़ दरबार में इकट्ठा शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताऊं तो आज ही हजारों की संख्या में भीड़ यहां पर आकर के बप्पा के दर्शन ले चुके हैं और यहां पर अपने जो मनों की कामना है यहां बप्पा के दरबार में माथा टेक रख कर यहां से भक्तगण जाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वो दरबार है जिसके लिए हर कोई चाहता है कि यहां पहुंचकर माथा टेके, बप्पा के दरबार में अपनी मनोकामना रखे। खासतौर पर जब मुंबई में गणेश उत्सव होता है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम की जरूरत होती है। आप देखें तो गेट पर भी आपको मुंबई पुलिस के जवान नजर आते होंगे, साथ ही जो प्राइवेट बाउंसर्स हैं उन्हें तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर जो भक्त दूर दूर से आ रहे हैं उन्हें ना हो। यही रंग, यही रूप, यही शोरगुल, यही धूम जो है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।